फाइनली भाई तुम्हारा डट्रक्स भाई आ चुका है वापस एक हफ्ते की छुट्टी के बाद यार। एंड ये छुट्टी मैंने जान मुझके नहीं मारी भाई, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। तो डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को तो प्लीज एंडिंग को जाके देखना ही देखना प्लीज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। बाकी यार टॉपिक पे आते हैं, आज हम लोग खरीदने वाले भाई कावासाकी निंजा H2 या फिर कावासाकी निंजा H2, दोनों में से कोई एक बाइक खरीदेंगे। ये मेरी बचपन की ड्रीम बाइक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड इवन दो आप में से बहुतों की ये फेवरेट बाइक भी होगी भाई। एंड आज इसको खरीद के हम लोग जाने वाले एक बहुत ही धमाकेदार ड्रैग रेस में, और इसको हो सके तो मॉडिफाई वगैरह भी करवाएंगे। एंड लिटरली यार ये मैं बचपन में सोचा करता था कि बड़ा होऊंगा तो भाई चलाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे ठीक है। फिलहाल मेरे पास तो ये है, मैं इसी में चलाने वाला हूँ, कोई ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन खैर गाइस बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मेरा सपना भी है एंड आप उसे बहुतों लोगों का भी सपना होगा H2R चलाने का। तो यस गाइस आज बहुत मजा आने वाला है। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार। एंड हां ये फोर्जा होराइजन नहीं है, ये है क्रू मॉडफेस्ट। एंड ये कम्प्लीटली नया गेम है जो कि मैंने अपने सेकंड चैनल पे सीरीज चालू कर दिया है, 6-7 एपिसोड भी डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, सेकंड चैनल को चेकआउट करो या सर्च कर सकते हो डट्रैक्स प्ले, मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, वहां भी डेली वीडियोस आ रही है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाकी यार क्रू मॉडफेस्ट की सारी वीडियोस है, वहां मैंने डुकाटी बुकाटी केटीएम सब कुछ खरीद रखा है, जाके देखो मजा आएगा यार। बाकी यार गेट बैक टू द टॉपिक, आज यार बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको अभी के अभी, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार स्वागत आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के दिन में भाई। एंड ऑफ कोर्स यार ये नया गेम है, जैसे कि मैं बताया मैं क्रू मॉडफेस्ट खेल रहा हूं एंड इसके बहुत सारे एपिसोड्स मैंने अपने सेकंड चैनल में डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैंने इस गेम में केटीएम खरीद रखा है, सुप्रा खरीद रखा है, बीएमडब्ल्यू खरीद रखा है, इवन भाई कल मैंने डुकाटी खरीदी थी। एंड आज गाइस खरीदने वाले हैं हम लोग एक ब्रांड न्यू कावासाकी निंजा H2R या फिर H2 या फिर ZR या Z1000RR, जो मिले वो सही भाई। लेकिन खैर गाइस मेरी यहाँ पे निसान GTR कैसी दिख रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको कल मैंने खरीदा है यार, ब्रांड न्यू है भाई, कल का एपिसोड जाके आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है भाई, आई एम नॉट किडिंग। आपको इसका साउंड सुनाऊंगा आप लोग पागल हो जाओगे यार। चलो खैर मैं आपको यहाँ पे इस गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ। ओके रुको, यहाँ पे रुकते हैं आगे। अब ध्यान से इस गाड़ी का साउंड सुनना होगा यार, ईयर प्लग्स लगा लो और मजे लो भाई। वेलकम टू क्रू मॉडफेस्ट, लेट्स गो भाई। निसान GTR की साउंड देख रहे हो, क्या तगड़ी है। तो गाइस यार कल मैंने इसको खरीदा था एंड आज गाइस हम लोग खरीदने वाले हैं ब्रांड न्यू कावासाकी निंजा H2R। इवन मेरे पास बहुत सारी बाइक्स भी है इस गेम में, तो यार उन बाइक्स को मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता मैंने इस गेम को बहुत हद तक खेल लिया है। एंड गाइस अगर आपको वो सारे एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, क्योंकि भाई इस गेम को फोर्जा होराइजन से भी मुझे ज्यादा मजा आ रहा है खेलने में। एंड इवन आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा भाई, यार लिटरली सब कुछ है जैसा फोर्जा में था ना, लाइक हम लोग ऐसे चला सकते हैं, फुल मिशन चला सकते हैं भाई साहब। भाई मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रा को मैंने अच्छे से चलाया भी नहीं है ब्रो, मैं कल इसे खरीदा हूँ एंड एक ही ड्रैग रेस किया है मैंने एंड दैट्स इट भाई। बाकी यार इस गाड़ी का टॉप स्पीड देखते हैं कितना जाता है, लेट्स गो। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, पहले गाड़ी को 0 to 100 ले जाके देखते हैं कितना देर में पकड़ती है। ओके ओके लेट्स गो गाइस, यार अभी न्यूट्रल है गाड़ी एंड फुल पावर, 1 2 3 लेट्स गो। ओके नाइट्रो का इस्तेमाल करूँ तो भाई 3 सेकंड 3 सेकंड भी नहीं, 1.5 सेकंड्स कुछ लगते हैं, ठीक है। नॉर्मली बोलोगे तो भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है, बट स्टिल लेट्स सी द टॉप स्पीड ऑफ दिस ब्यूटीफुल निसान GTR। लेट्स गो भाई, टॉप स्पीड देखते हैं कितनी जाती है। ओके ज़्यादा नहीं होगी, अभी ये कम्प्लीटली स्टॉक है। स्पॉयलर वगैरह यार मुझे मतलब प्री डिफाइंड मिला हुआ है, पहले से लगा हुआ था, ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड है सब कुछ, क्योंकि यार ये GTR की कम्प्लीटली मॉडिफाइड एडिशन है, ऑलरेडी मॉडिफाई होके आई है। एंड ये नॉर्मल GTR नहीं है, GT3 GTR निसो एडिशन है। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ये मत सोचो कि भाई हाइब्रिड एडिशन है, लेकिन पावरफुल है, ठीक है। बट खैर आप देख सकते हो स्पीड भाई 321 का कैप्चर कर रही है कॉन्स्टेंट, ठीक है। बट ये तो कुछ भी नहीं है, ब्रेक लगाओ भाई,
ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने इस गेम में क्या क्या खरीदा है मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। जो जो यार नए बंदे हैं ना, मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि यार आप में से बहुत लोग सेकंड चैनल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिन लोग फॉलो कर रहे थे उन लोग ये चीज को स्किप कर सकते हो, वरना मैं दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। देखो ये GT3 तो हम लोग अभी चला रहे थे, GTR है भाई, ठीक है। मैं मेरे नाम के नीचे, रुको नाम अब पढ़ो नाम, ठीक है। GTR निस्मो GT3, ठीक है, निस्मो नहीं है। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे इट्स GTR निस्मो GT3, ओके। एंड ये वाली KTM RC16 रेड पुल की मैंने खरीदी है कल, प्लस ये BMW Z4 M40i मोटरफेस्ट एडिशन, इसको मैंने यार स्टार्टिंग में चूज किया था। एंड सुपरा रीजन इस गेम में भाई पूरी जैपनीज गाड़ियां, आई मीन बहुत कुछ है यार, मैं कितना बताऊंगा यार, आप लोगों को जाके देखना चाहिए, राइट। बट ये वाली डुकाटी मैंने खरीदी थी पेनिगेले, यार ये गाड़ी बेदम भागती है भाई, पर इसको हम लोग चलाएंगे, रुको मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, ठीक है, फिर देन मैं आपको दिखाऊंगा। ओ माय गॉड गाइस, जितनी बार भी देखो भाई मेरे को बहुत सही लगती है भाई। एंड हम लोग यार स्टेयरिंग व्हील से चलाने वाले एक बाइक को लाइक अ कार। एंड देखो यार फुल रियल कंट्रोल है, टायर वगैरह देख सकते हो, बस वही दिक्कत है मैं एक बार ऐसे मोड़ दूं तो तुरंत ऐसे मोड़ने में मेरे को बहुत मेहनत लगता है यार, तो इसलिए मैं कीबोर्ड से ज्यादा चलाना प्रीफर करता हूँ। हालांकि साउंड सुनोगे, साउंड सुन के तो आप लोग पागल हो जाओगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तो कुछ भी नहीं है, रुको अब ब्रेक मार के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। Let's go, wheelie करना है क्या गाइस? हाँ, रोड के बीच में करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, मजा तब आएगा जब हम लोग खरीदेंगे ब्रांड न्यू कावासाकी निंजा H2R। Let's go, चलो भाई। Let's go, भाई सर्कल बना देंगे भाई। सही है ना यार, ये गाड़ी लाइक ले लो 300-350 के आसपास स्पीड देती है, बट क्या होगा जब हम लोग खरीदेंगे भाई कावासाकी निंजा H2 जो कि भाई भागती है इजीली 450 की स्पीड पे, ठीक है। मैं इवन सामने का चक्का भी उठा सकता हूँ, उठाओ क्या, उठाना है क्या, बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है भाई, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके भाई मैं तो लेट गया, रुको रुको उठाते हैं, जा प्लीज भाई, मजाक चट के बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। खैर गाइज, मैंने इस गाड़ी के साथ बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, वो सब आपको देखने हैं ना तो आप यार मेरे सेकंड चैनल पे चले जाओ, जाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करते रहा, ओके। क्रू मोटरफेस्ट का प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, मैंने जाके देख सकते हो बाकी एपिसोड्स, पहले दूसरे तीसरे चौथे, आई मीन सब देख लो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इस गेम में हो क्या रहा है, ओके। वरना ये आपको कंप्लीटली नया गेम लगने वाला है, बाकी यार आज ऐसे भी देखोगे तो भी चलेगा, बट फिलहाल लेट्स गो फॉर द राइड भाई एंड खरीदी जाए ब्रांड न्यू कावासाकी निंजा H2। लेट्स गो भाई, भगाते हैं फुल स्पीड यार, सामने का चक्का, उठ जा यार, दिखाना है मुझे आप लोगों को भाई। गए 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 गए, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए। खैर चलो जो भी है भाई, पेट्रोल डला लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल कम है यार, यू नो यार बाइक में बहुत ज्यादा आजकल चलाने लगा हूं तो पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है, तो पेट्रोल डला लिया जाए ज्यादा बेटर है। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, पेट्रोल हो चुका है फुल गाड़ी पे, एंड अब सामने का चक्का उठाऊं क्या, उठ गया कुछ ज्यादा ही उठ गया, कंट्रोल है कंट्रोल है। लेट्स गो भाई, उतारो यार, मजा आ गया भाई, ऐसे ही उठा दे, रुको रुको रुको, पागलों की तरह भाई व्हीली भाई, उठ गया उठ गया। लेट्स गो, कंट्रोल आराम से कंट्रोल करके चलाएंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा उठ रहा है, ज्यादा उठ रहा है, ज्यादा उठ रहा है सामने, ओके यार सामने झुकाना क्या चाहता हूँ भाई, गाड़ी तो पूरी पूरा ही हो जाता है। आठ ब्रेक मार के, ओ मैं समझा चक्का कैसे उठाते हैं, पहले ब्रेक मारो फिर ऐसे उठाओ, आठ नहीं उठ रहा भाई। खैर 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 गाइस, WLD से चलाओ ज्यादा बेटर है आई थिंक सो, क्योंकि भाई साहब, बट खैर खैर बहुत हो गया तमाशे, मैं साइड में लगा रहा गाड़ी को, क्योंकि आज जो गाड़ी खरीदना है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, और ये गाड़ी में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह भी लग चुके हैं भाई। खैर कोई बात नहीं, बनवा लेंगे, ओके। कावासाकी निंजा H2R यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गेम में गाइस इतनी सारी गाड़ियां है ना, आप लोग पागल हो जाओगे यार, मजाक से हट के अस्टन मार्टिन की सारी गाड़ियां है, ऑडी की सारी गाड़ियां, आई मीन आप बोलोगे भाई फोर्जा होराइजन में भी तो सेम ही था, लेकिन लेकिन रुको भाई, BMW की सारी गाड़ियां, प्लस यहाँ पे तो देखो BMW की बाइक्स भी है भाई यार, इवन तो S1000 RR भी है, S1000 RR मोटर बाइक
एडिशन भी है, आई मीन सब है भाई, इवन माउंटेन बाइक भी, एडवेंचर वाली BMW की, यार इवन ये तो कुछ भी नहीं है, बुगाटी बॉलिडे, वन ऑफ माय ड्रीम कार, जो कि आप लोग बोलते रहते हो बुगाटी बॉलिडे लाओ बॉलिडे लाओ, तो भाई फाइनली इस गेम में हम लोग चलाएंगे बहुत जल्द। बस ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स, यार मैं बहुत दिनों बाद डाल रहा हूं तो 10,000 लाइक्स बनता है। और या और बाकी भाई सारी, यार आई मीन जो गाड़ियां फोर्ज़ा में नहीं थी ना वो सारी गाड़ियां, ये देखो फोर्ज़ा होराइज़न में ये कार नहीं थी बुगाटी की, ये देखो भाई एक्सक्लूसिव डी भाई, ऐसी ऐसी गाड़ियां है ना ब्रो जो यार आपने कभी देखा भी नहीं होगा भाई फोर्ज़ा होराइज़न में, तो कभी भी नहीं भाई। तो ये सारी गाड़ियां हम लोग खरीदेंगे आने वाले दिन में, इवन दो इसमें बाइक्स तक है डुकाटी की, ये देखो कितनी सारी बाइक्स है, इवन मैंने खाली ये वाली खरीद रखी है, ठीक है बहुत सारी है, एक से एक बाइक है यार टेक्सचर। और ये तो छोड़ो आपको फेमस दिखाता हूं, फरारी की बाइक आती है क्या भाई, बाइक आती होगी तो पक्का इस गेम में होगी भाई, गेम में उतनी सारी गाड़ियां जितना रियल लाइफ में भाई, इवन प्लेन तक हम लोग उड़ा सकते हैं, प्लेन भाई, प्लेन के लिए खैर मेरे को खरीदना पड़ेगा बहुत महंगा आता है प्लेन, इवन हार्ले डेविडसन में भाई ये तो टट्टी है भाई, पिछले एपिसोड देखो आपको भी गुस्सा आ जाएगा इस गाड़ी के ऊपर यार। होंडा की सारी गाड़ियां, होंडा सिविक भी होगी भाई, ये देखो होंडा सिविक भाई, होंडा सिविक टाइप आर, ये देखो इंडियन कार भी है भाई, आई मीन इंडिया में भी चलती है ये, होंडा की बाइक भी है भाई, ये देखो CBR 1000 आ रहा, इंडियन बाइक्स, ये देखो यार FTR 1200S, इवन कावासाकी, यही तो खरीदना है आज, कावासाकी निंजा H2R आज भाई लिटरली मेरा ड्रीम कम्स ट्रू होने वाला है, ये मेरी वन ऑफ माय ड्रीम कार है, मुझे पता है आप में से बहुतों की ड्रीम कार होगी, तो जो भी यार H2R से प्यार करता है, H2 नहीं है ये H2 है, तो जो भी H2 लवर है कमेंट सेक्शन में गाइस ड्रीम कम्स ट्रू या ड्रीम कंप्लीट ऐसा वैसा लिख दो, क्योंकि भाई मेरा सपना पूरा होने वाला है, एंड मेरा सपना आपका सपना सब एक ही है, क्योंकि अपन सब भाई भाई है, तो आज चलाएंगे इससे भी प्लस कीबोर्ड से भी चलाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है भाई, तैयार हो जाओ। ये खरीदना है जो कि भाई 4,38,000 की है, और ये नॉर्मल है बेसिक एडिशन है जो कि 4,38,000 की है, और ये 3,80,000 की है भाई, ये रेसिंग एडिशन है, लेकिन मैं ये नहीं खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा स्टॉक वाली, ज्यादा बेटर है क्योंकि इसको मॉडिफाई अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं राइट, ये वाली जो रहेगी प्री मॉडिफाइड रहेगी, ठीक है अपने से, ये देखो स्पॉइलर वगैरह लगा हुआ है, एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है इसको अपन खुद से मॉडिफाई करेंगे, बाकी Z1000 ABS वगैरह भी है, इवन KTM की बाइक भी है भाई, शाउट आउट टू KTM लवर, सुपर ड्यूक भाई आप सभी के शहर में होगा, मैं बता रहा हूँ आप में से हर कोई ने ये बाइक देखी होगी भाई, एंड जिन लोगों ने नहीं देखी ना अपने भैया अपने दोस्त से पूछो, KTM के बारे में तो पता ही है ना, सबको पता है भाई KTM ऐसी बाइक है, इवन Lamborghini की आपको गाड़ी दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये आपने भाई कभी मैं कॉन्सेप्टुअल कार है भाई, Lamborghini Egoista भाई, इसको चलाएंगे भाई, इसको खरीदेंगे, बट बहुत महंगी है भाई, कंगाल हो जाऊंगा खरीदने में। वैसे Lamborghini Essenza तो हम लोग खैर उसमें चला चुके हैं फोर्सा में, तो इसको तो मैं कतई नहीं खरीदूंगा, बाकी यार इसमें इतनी गाड़ियां है लाइक गिनाते रहो, इवन यार Lamborghini Sian भी, ओ Lamborghini Terzo भी है, ये देखो जिन लोग बोलते थे ना Terzo चलाओ, तो Terzo भी हम लोग खरीदेंगे आने वाले समय में, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इवन Lamborghini की बोट भी है भाई, ये देखो यार बोट भी खरीदेंगे भाई सब, यार इस गेम में साइकिल गाड़ी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब चला सकते हैं, मजाक से हटके भाई। बाकी यार गाड़ियां तो मैंने दिखा दी, बाकी बहुत गाड़ियां हैं आने वाले समय में खरीदेंगे, इतनी है कि भाई मैं गिनाते रह जाऊंगा, आप लोग भी सुनते रह जाओगे यार। बाकी चलते हैं गाइस, एक दो ड्रैग रेस करते हैं, क्योंकि सो गाइस क्यों ना जाया जाए एक कमाल की ड्रैग रेस में। एंड यार मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने जब से ये डुकाटी खरीदी है मैं एक बार भी इसमें ड्रैग रेस नहीं किया हूँ, तो यार आज ही मौका है, चलो निकालते अपनी डुकाटी को फुल पावर में, लेट्स गो भाई। सामने का चक्का उठाऊं क्या, उठाना है क्या ढलान है, उठ जाएगा नहीं उठ रहा भाई, कह रहे यार भगाते समय गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, दैट इज द रीजन। बट गाइस अभी चलते हैं कमाल की ड्रैग रेस में, एंड मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना यार जाए मेड इन जापान ड्रैग रेस में। ओके मैं दिखाता हूँ, मेरे पास जो सुपरा है राइट, वो मैंने यार एक रेस में जीती थी एक बंदे से, वो ये है भाई मेड इन जापान, यहाँ पे एक ड्रैग हुआ था, आई मीन एक टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे यार एक बंदे ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि भाई अगर मैं जीता तो उसकी जो सुपरा है वो मेरी यार, एंड अगर मैं हारा तो मेरी सुपरा उसकी, तो ऐसा आई मीन मेरी BMW उसकी। तो यार मैं पहले सोचा भाई यार ऐसा करूंगा तो बंदे को बुरा लगेगा, बट स्टिल भाई बंदे ने पहले ही 2-3 बंदों की गाड़ियां ले रखी थी, ठीक है तो मैंने सोचा यार जैसे को तैसा फील कराया जाए, ठीक है तो मैंने उसकी सुपरा रख ली, एंड यार उस बंदे को मजा चखाया। बट खैर हम लोग यार आज हम लोग उधरी तरफ ही जाने वाले हैं ड्रैग रेस करने, ये पूरा देख सकते हो जैपनीज लोग रहते हैं ये शहर में, ठीक है तो फिलहाल मैं रोड के बगल में गाड़ी लगाता हूँ क्योंकि ये शहर थोड़ा सा अनमोल है, एंड हम लोगों को जहाँ ड्रैग रेस करने जाना है वो है जगह यहाँ, लेट्स गो, थोड़ा सा दूर है, आई मीन पास ही है भाई, क्या ही दूर है, यहाँ पे आई थिंक सो एक जैपनीज टेम्पल है राइट, ओके वही जाना है, बट बाइक लेके चले गया, नहीं 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 भाई मैं सोच रहा हूँ यार, नहीं नहीं चलो चलो पहली रेस बाइक से करते हैं, फिर उसके बाद अपनी निसान GTR लेके जाएंगे, ठीक है बिकॉज अपन जैपनीज एरिया में आए हैं, तो ऑफकोर्स यार लेना तो बनता है ना GTR, क्योंकि GTR तो भाई मेड इन जापान कार है,
एंड दैट्स इट भाई, वो सामने जो आप टेम्पल देख रहे हो वो जैपनीज टेम्पल है, देख सकते हो भाई मुझे। हाँ खैर वो रहा जैपनीज टेम्पल, आगे आप देख सकते हो, बट खैर हम लोग को यहाँ आ रहा ब्रेक भाई ही है। वेलकम टू द जैपनीज टेम्पल भाई, आ जाओ यार। ओके हम लोग लेंगे अपनी जुकाची, सिलेक्ट द कार, मॉडिफाई तो मैं घंटा भी नहीं किया हूँ इसे, और मिड डे में ड्रैग होगा। लेट्स गो भाई, अब होगा असली ड्रैग रेस जैपनीज टेम्पल में, देख सकते हो भाई काफी सुंदर है ये मंदिर। एंड भाई साहब हियर इज अवर जुकाची पेनिगले यार, लेट्स गो भाई। सारी पेनिगले है मेरे, सारी नहीं भाई सुपर ड्यूक, वो देखो सुपर ड्यूक, ओ भाई सुजुकी की भी बाइक है। ओके लेट्स गो, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं हारने वाला हूँ यार, लेकिन खैर इन लोगों तो हराएंगे भाई, क्योंकि यार इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ अपनी कावासाकी निंजा H2R, फिर इन लोगों को असली मजा चखाएंगे। बट फिलहाल गाइस ये ट्रैक जीतना पड़ेगा मुझे किसी भी कीमत पे भाई, आराम से ब्रेक के साथ। लेट्स गो भाई, लोग भगा क्यों नहीं रहे यार, जैपनीज वाले बंदे धीरे गाड़ी चलाते क्या ब्रो? भाई नहीं लोग मेरे जस्ट पीछे ओवरटेक करने के चक्कर में, तीन बंदे आई थिंक सो सुपर ड्यूक वाला, बट गाइस मेरी सुपर ड्यूक ड्रीम कार है यार। बट खैर गेम थोड़ा लैग लग रहा है मुझे, थोड़ा एग्जॉस्ट चलाओ, अब चलेगा ना मेरी जान है। ओ तेरी ओवरटेक कर दिया भाई, मेरा एग्जॉस्ट चला दी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ड्रिफ्ट भाई ऐसे में रियल फील नहीं आता, पता है ऐसे में लगता है भाई कि गाड़ी चला रहे हो। ओके बट खैर अपन सबसे आगे है मैप में, आप देख सकते हो भाई। शिट, रिवाइंड लो। लेट्स गो यार, मैप भी देखना जरूरी है भाई। ओके भाई मोड़ आता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा, जो यार ड्राइवर लोग ऐसे झुका के मोड़ते हैं ना, आप लोग पागल हो जाओगे भाई। लेट्स गो नो वे भाई, नो वे, मेरे को ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लिटरली ऐसे चलाने की वजह से हो रहा है। ओके लेट्स गो, भले धीरे चलाओ। चलो भाई जिन लोगों को लग रहा है मैं चीटिंग कर रहा हूँ, उन लोगों को आगे आने का मौका दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं दो बार रिवाइंड ले लिया, अब मैं रिवाइंड नहीं लेने वाला। ओके एक रेस में दो ही रिवाइंड, उससे ज्यादा करते ही नहीं भाई, उन लोग बहुत तगड़े स्पीड से आ रहे हैं यार। ओके लेट्स गो बेचा मेरे को आ रहा हो गया भाई। एक तो यार ये डुकाटी को मैं कतई मॉडिफाई करवाया हूँ भाई, स्लो नहीं है, बहुत तगड़ी मॉडिफाइड है, बट ये टक्कर मेरे को शायद पीछे करवा देगा भाई, उन लोग बहुत तगड़े से आगे आ रहे हैं। निकल द ट्रैक्स, ओके भाग रही है, कोई जल्दी निकल जाएंगे आराम से भाई। भाई सुपर ड्यूक लेके भागा नहीं रहे गाड़ी को, बताओ एक बंदे के बाद तो सुजुकी GSX है भाई, वो तो बेदम भाग दिया यार, मैंने खुद चलाया भाई। यार आप लोग पूरा सीरीज देखोगे ना, अभी तक मैंने 4 या 5 ही एपिसोड बनाई है, अगर आपके पास खाली पीली टाइम है, टाइम पास करना है, एंटरटेनमेंट लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लो, कसम से बता रहा हूँ मजा नहीं आया ना, वर्थ इट नहीं लगाना, पैसा वसूल नहीं लगाना, फिर कहना भाई ठीक है। बट फिलहाल यार ये रेस तो भाई आराम से जाऊंगा लग रहा है, ज्यादा कुछ था नहीं भाई। ओके यार इन लोग भगा नहीं रहे, आई थिंक सो इन लोग यार मेड इन जापान जाम के भाई, मेड इन चाइना इन लोग, यार भगाना चाहिए भाई, बहुत धीरे चला रहे हैं यार, मैं ऐसे ही भगा दे रहा हूँ। एक तो ऐसा भी नहीं कि गेम में भाई लो में खेल रहा हूँ भाई, अच्छा खासा मैं लाइक हाई में खेल रहा हूँ, डिफिकल्टी बता रहा हूँ, इसके बाद एक और होता है हाईएस्ट, उसमें तो भाई गॉड लेवल तेज हो जाते हैं इन लोगों से, वो तो वो करूँगा तो भाई जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। ओके ओके भाई जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे और रेस। ओ भाई ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये जैपनीज एरिया है, यहाँ पे सारे चिंग चौंग लोग रहते हैं, ठीक है। एंड वी फिनिश द ड्रैग रेस, लेट्स गो डुकाटी ओपन द चैट भाई, ये तो कुछ भी नहीं है डुकाटी के सामने H2 कुछ भी नहीं है भाई, आई मीन H2 के सामने डुकाटी कुछ भी नहीं है, सॉरी भाई, वी वॉन, मैं फर्स्ट आया, सेकंड आई है सेकंड डुकाटी आई है, वो देखो ये देखो, अरे यार हट गया व्यू, पीछे दो तीन बंदे बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे अगर आप बैक करके देखोगे तो आपको वहाँ पे Z1000RR मिलेगी कावासाकी की, और सुपर ड्यूक भी थी, प्लस एक दो और गाड़ियां थी, बट खैर मेरे लिए तालियां बजाते हुए 13,000 रुपए भी दे दिए यार, ठीक है पैसे तो मिल गए अच्छे खासे, एंड अपनी डुकाटी भी रेडी है भाई। ओके गाइस लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस भाई, अपने पास अभी थोड़े पैसे हैं, बट मुझे और पैसे की जरूरत है, अगर मुझे यार कावासाकी निंजा H2 खरीदनी है तो वो तो भाई 4 लाख की कुछ है, तो यार अच्छे खासे पैसे की जरूरत है। एंड यार बाइक रेस में क्या होता है ना, बेसिकली कम पैसे मिलते हैं, पता है अगर मैं
इसी की जगह कार के साथ ड्रैग रेस में पार्टिसिपेट करूं तो भाई बेदम आंख बंद करके पैसे दिया जाता है। ओके तो गाइस यार कौन सी रेस में मेरे को जाने को बोल रहा है ये एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कार बाइक लेके चलेंगे। ओ भाई ये तो पहाड़ वहाड़ पार करवा रहा है, कहां लेके जा रहा है? ओके गाइस ये पहाड़ के ऊपर है। अच्छा 911 का यहाँ पे। ओके पोर्शे का एक ड्रैग रेस होने वाला है ग्रैंड प्रिक्स करके। ओके आई थिंक सो यहाँ जाने पे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं अपने को। चलो यहाँ ये वाला रेस को एक बार पार्टिसिपेट करते हैं, देन वी विल गो फॉर द निसान GTR रेस। इसके बाद यार चलो खैर यहाँ से चलते हैं, बट यहाँ से जाते जाते अपन यार अपनी दूसरी गाड़ी पकड़े। चलो मैं आपको अपनी GTR फील कराऊंगा। GTR नहीं, चलो आपको मैं अपनी ना सुपरा फील कराता हूँ। आ जाओ, सुपरा भी बेदम भागती है भाई मजाक से हटके, देख रहे हो? लेकिन वही है यार, ये दूसरे बंदे की है, उसका टैटू वैटू लगा हुआ है। बट खैर चलो चलते हैं। आई थिंक सो पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा, बट ठीक है। इस गेम में यार इतने सुंदर सुंदर नजारे हैं ना, आप लोग पागल हो जाओगे भाई, लिटरली यार बहुत सुंदर सुंदर। इवन तो ना मैंने ये गेम को एक्सप्लोर जितना किया है, ओ तेरी भाई जब नदी वदी में खुदा दे रहा हूँ भाई सुपरा को भाई, लेकिन यार इतना जितना मैंने एक्सप्लोर किया है ना, उस हिसाब से इस गेम का मैप भाई GTA 5 से भी बहुत बड़ा है। GTA 5 का मैप इस गेम के सामने कुछ भी नहीं है। यू नो यार, इस गेम का मैप को आप GTA 6 के मैप के बराबर भी ले सकते हो, मतलब GTA 6 का तो गॉड लेवल होगा, बट इस गेम का मैप मजाक से हट के बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार, बहुत ही। इवन तो भाई सुपरा मस्ट ड्रिफ्ट भी कर दिया यार। ओके यार मेरे को तो वो रास्ते जा रहा था, मैं गलत रास्ते आ गया, बट ठीक है। आई थिंक सो आगे एक कच्चा रास्ता है। ओके गाइस मेरे को ये कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा, वो भी भाई अपनी इतनी महंगी गाड़ी में। भाई ले भाई गया गया, बोट वगैरह होता तो निकल लेता भाई इधर से। इस गेम में लैम्बोर्गिनी का ही बोट है, मैंने दिखाया रखा है शायद आपको यार, सब चीज का बोट है, सब कंपनी का, जो जो कंपनी की बोट्स आती है ना वो भी है। शायद आप इसे बहुत कम लोगों को पता होगा बोट कंपनी का नाम, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि बोट कंपनी का नाम बहुत याद रखता है यार। बट खैर इधर से शायद जाने का रास्ता मिल जाए, कच्चे रास्ते हैं पूरे, बट वी विल गेट द रोड। ओके आगे है कच्चा ब्रिज है। ओके लेट्स गो भाई, सुपरा को इतना कीचड़ कीचड़ करके लाया हूँ, देख रहे हो सुपरा की बैंड बज गई है भाई। ये देखो भाई पूरा टायर में कीचड़, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ लग गया गाड़ी पे। खैर थोड़ा और गंदा करना है क्या गाइस, और गंदा करना है क्या? यहाँ तो खैर भाई मिट वो भी नहीं है, कीचड़ भी नहीं है। बट खैर यार मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ने को बोल रहा है, चढ़ जाते हैं भाई। ये गेम में ना मैप भी उल्टा सीधा बताता है भाई, गूगल मैप की तरह पता है। ओके लेट्स गो, वी आर ऑन द रोड भाई। और ये गेम यार बहुत ही नया है, जिन लोगों को नहीं पता लाइक कुछ दिन ही हुए इस गेम को निकले हुए। ओके ज़्यादा दिन हुए नहीं है, तो बेसिकली ये गेम का ग्राफिक्स बहुत लोगों को उतना कुछ खास नहीं लग रहा होगा। आई मीन अच्छा है, मेरी मानो तो अच्छा ही है, क्योंकि यार ये गेम को निकले 2 ही महीना हुआ है, और 2 महीने में इतने अच्छे ग्राफिक्स, इतने सारे कार्स, और मैं मजाक नहीं कर रहा, हर दिन इस गेम में नए गाड़ियाँ ऐड होते जा रही है, प्लस इसमें हर दिन अपडेट भी दिया जा रहा है यार, ताकि गेम को और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि गेम अभी मेरे को थोड़ा लैगी लगता है यार। आई डोंट नो व्हाई बट स्टिल भाई तो कहीं गलत टाइम पे ड्रिफ्ट, बट ठीक है। कौन से जंगलों में घूम रहे भाई अपन? ओके ड्रिफ्ट, वाह तेरी ठुक गई, माफ कर दियो अंकल। बट खैर बीवर भाई ये गाड़ी भागती भी बेदम भाई। ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया यार। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, जंप मारते हैं 360 जंप। शेट टाइमिंग गलत, रुक जाओ एक बार रिवाइंड लेते हैं, रिवाइंड लेके फिर गलत यार, रुको लास्ट, ये लास्ट है, इस बार पक्का हो जाएगा। लेट्स गो भाई, थोड़ा सा टाइमिंग मिस यार, थोड़ा सा टाइमिंग मिस, हल्का सा, लेकिन यार ये ऐसा स्टंट इस गेम में थोड़ा सा इलीगल है कह सकते हो यार, क्योंकि गेम में ऐसा गोल घूमने का मैकेनिज्म नहीं है, ये अपना दिमाग लगा कर ड्रिफ्ट मार रहा भाई। बाय द वे अपन शहर आ गए यार, पहाड़ वहाड़ सब पार करके भाई।
एंड अपने इवेंट में भी पहुंच चुके हैं। ये रहा इवेंट, लेट्स गो। लेकिन आगे खुदा ने कहा ना, बट मैं ऑलरेडी खुदा चुका हूँ यार पुराने एपिसोड्स में। बट खैर, वेलकम टू पोर्शे 911 ड्रैग रेस। भाई यहाँ पे पूरी पोर्शे की गाड़ियां आने वाली है। पोर्शे 911 GT3 चलाएंगे भाई। ओके, रात में होने वाली है यार ये रेस। भाई की रेस का नाम है यार, लेट्स गो लेट्स गो। आ जाओ भाई। ओके, अपन ये चलाने वाले हैं पोर्शे 911 GT3 कप। लेट्स गो। ओके, क्या लगता है जीतेंगे क्या? सबके पास सेम गाड़ी है, सबके पास सेम गाड़ी। ओके, बट गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है उन लोगों की गाड़ी मेरे से ज्यादा तेज है। ओके भाई, टक्कर तो मत मारो। ओके, लेट्स गो नाइट्रो। पार पार सबको पार। शिट, ड्रिफ्ट के चक्कर में ना किसी दिन फैलाऊंगा भाई तगड़े से। भाई सब आगे निकल रहे हैं, क्या सीन है? ओके, क्या लगता है गाइस जीतूंगा कि हारूंगा यार? मेरे को हराएंगे। हेलो, तू हराएगा? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है भाई? किस्मत है, नाइट्रो यूज नहीं कर रहा हूँ मैं वरना तो भाई सीट यार, टाइमिंग बड़ा गलत ड्रिफ्ट है यार मेरा। टाइमिंग की वजह से इन लोग ओवरटेक कर रहे हैं। और भाई क्या ओवरटेक कर रहे हैं भाई लोग, मजा आ चटके। ओके डैम भाई, पोर्शा बहुत गंदा चला रहा है यार मैं, बहुत ठूक ठूक के। यहाँ पे अच्छा ड्रिफ्ट कर गया। ओके लेट्स गो, प्यारा ड्रिफ्ट नाइट्रो। जैसे चला रहे भाई लोग, कोई चीटिंग वीटिंग धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं हो रहा बताए। ओके ओवरटेक सबको, आट गया, बहुत गंदा बैलेंस होगा। एक और बंदा आ रहा है ओवरटेक करने, साले किधर जा माइला, मेरे को ओवरटेक है, मेरे को ओवरटेक करेगा, ध्यान से टक्कर दूंगा समझा। अरे तेरी भाई, धक्के की टक्कर में एक दूसरा बंदा पार कर रहा है। डैम गाइस, एक लैप कंप्लीट हो चुका है और मैं लास्ट सेकंड में चल रहा हूँ बताओ। बट क्या कोई बात है, निकलेंगे ड्रिफ्ट मारते हुए। जा, ये एक नंबर था यार, क्या ओवरटेक किया। यहाँ पे भी निकलते हैं भाई, कितना गंदा ड्रिफ्ट हो रहा है यार। ये गाड़ी को चक्का कौन सा लगा हुआ है, हैंड ब्रेक कंट्रोल ही नहीं हो रहा भाई। ओके, लेकिन अब मैं थोड़ा पहले ड्रिफ्ट मारूंगा, मैं समझ गया ये गाड़ी का सिस्टम, देखना ध्यान से। ये देखो ऐसा थोड़ा पहले ड्रिफ्ट, तब जाके मेरे को ऐसा चांस मिलेगा ऐसे लोगों को ओवरटेक करने का। ओके, यहाँ पे भी ड्रिफ्ट है, लेकिन हो जाएगा कोई है तो भाई डबल स्वीप हो गया भाई। फर्स्ट टू मैं लेट्स गो, ओवरटेक करने देना नहीं है किसी को। लेट्स गो, दे भगा रहा है बंदा, सारे टक्कर मार रहे हैं, चीटिंग कर रहा है भाई। लेकिन खैर मैं सीख गया भाई, बार बार टक्कर मार रहा हूँ चक्के में भाई, क्या चाहता है मेरा, बैलेंस बिगड़ जाए। हाँ लेट्स गो, लेकिन इस बार नहीं, मैं सीख गया भाई पोर्शे को, जीतेंगे भाई, हारने का सवाल ही नहीं उठता। देख रहे हो अब तुम्हारा भाई फुल कंट्रोल में ड्रिफ्ट मार रहा है और वो लोग बहुत पीछे हो गया भाई। यार पहली बार गाड़ी चलाओ ना कोई नया तो यार थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अब देखो भाई इजी पीजी बचड़ी भाई, लेट्स गो। इतना आराम से फर्स्ट हो ना भाई, फिनिश पॉइंट 360 मार के जीतेंगे। भाई ठुकते ठुकाते जीता हूँ रेस चलो खैर कोई बात नहीं यार, जीत चुके हैं भाई फर्स्ट पोजीशन। आई थिंक सो पैसा तो अंधा मिलेगा। अपन फर्स्ट, देखते हैं सेकंड कौन है भाई। अब तो सेम ही गाड़ी है, अलग अलग कलर की, बट ब्लैक वाली अपनी है। लेट्स गो, मेरा पोज सिग्नेचर पोज भाई 16,000 रुपए मिले और कुछ सस्पेंशन मिले, टायर वायर ठीक है नाइस। एंड ये रही अपनी GRE सुपर, लेकिन यार अब मैं इसको नहीं चलाने वाला, थोड़े पैसे और चाहिए। आई थिंक सो एक ड्रैग इनफ है, उसके बाद अपने पास इतने पैसे हो जाएंगे कि भाई अपन खरीद सकते हैं कावासाकी निंजा एक्स। okay. इसलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्यारी सी अपनी निशान GTR। लेट्स गो भाई, बहुत ही ज्यादा लाउड, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भाई, लेट्स गो। लेकिन हम लोग जाएंगे तो वो एक डोनट का यहाँ पे रेस होने वाला था क्या? रुको एक बार बात करके आते हैं, वहां पे मेरी GTR अलाउ है कि नहीं, क्योंकि ऐसी रेसेस भी होती है गाइस जहां पे ना अच्छा मतलब ज्यादा पावरफुल गाड़ियां है ना उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि मेरी GTR बहुत ज्यादा ही बुखार है भाई, हरा देगी भाई Lamborghini को, हरा देगी मजाक से हटके। फिर से जंप, लेट्स गो, रिवर्स। अरे ब्रेक लग रहा है यार, खैर कोई खैर वैर नहीं, एक ट्राई और मारेंगे। रुको, स्पीड भी एक्चुअली मैं उतना पकड़ा नहीं था ना। अरे ओके
लेट्स गो 360 हो गया आ भाई 180 स्पीड ही नहीं है यार उतना गोल घूमने लायक। गाड़ी ऊपर चढ़ के रुक जा रही है भाई। खैर कभी और ड्रिफ्ट मारेंगे, वैसे हम लोग पहुंचने वाले नीचे उतरना है बस। As I expected भाई यहाँ पे नहीं होने वाला, बट गाइज यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का ड्रैग रेस हुआ था, लैम्बोर्गिनी वर्सेस फरारी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो, बहुत तगड़ा ड्रैग हुआ था भाई। कोई बात नहीं यार, ओके एक और मौका है, खुद आते हैं चलो। इस बार तो स्पीड भी अच्छा खासा। Let's go, हो गया भाई, क्या ही हुआ भाई। रुको एक बार आपको रिवाइंड में दिखाता हूँ, देखना किस टाइप का हुआ। ऐसे पूरा सर्कल हुआ भाई, लेट्स गो। स्पीड भाई, स्पीड चाहिए करने के लिए, लेट्स गो। अगर मैं थोड़ा सा और स्पीड में रहूँ तो परफेक्टली हो जाएगा यार, स्पीड की बात है। एंड ये कोई मैंने किसी का देख के नहीं है, खुद का आइडिया है भाई। बाय द वे गाइस, एक रेस होने वाली है यार, चलो भाई चलते हैं पार्टिसिपेट करने। एंड इस बार अपन पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपनी निसान GTR में, लेट्स गो। जो कि भाई बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, मैं थोड़ा इधर घर तरफ आया था, इसके नए नए पार्ट्स लगवाने, बट ठीक है। एक काम करते हैं ना, बहुत दूर है यार, उससे अच्छा टेलीपोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो, हाँ यहाँ पे अपन टेलीपोर्ट ले सकते हैं। आ जाओ भाई। क्या डोनट अंकल, कैसे हो? आई थिंक सो भाई, वो मैं उसको कहीं तो देखा हो यार, डोनट वाले बंदे को, बहुत फेमस बंदा है। कार गया, देखो ना कभी कभी तो रास्ता ही नहीं बताता है भाई कि किधर से जाना है। और मेरा कैमरे के पीछे मेरा मैप दिखता है यार, ओके कैमरे, मेरा कैमरा जस्ट मेरे मैप के पीछे है। रुको मैं कैमरा को इधर कर रहा, आई थिंक सो आप लोगों को मैं विजिबल हूँ, ओके अब क्लियर है यार। नदी में कुदानी पड़ेगी गाड़ी को, ऊपर कहाँ से चढ़ाओ भाई, उधर रैंप है भाई, रैंप से कुदाना था यार। शेट, कोई बात नहीं, वी आर राइट भाई, पहुंच गए यहीं पे है ना, लेट्स गो। इस रेस का नाम है सिंजुकू स्टाइल यार, सिंजुकू, ये जापानीज रेस है, नाम से पता चल रहा है सिंजुकू। आप लोग यार डोरीमोन नोबिता ये सब मैं सुने ही, यहाँ पे सुपरा आने वाली है लग रहा है। देख अपन चलाने वाला है यहाँ पे GTR भाई, पिछले एपिसोड में मैंने इसको खरीदा था एंड कम्प्लीटली मॉडिफाई भी किया था। और आज भाई इससे अपन दूसरा, इससे पहले मैंने एक रेस कर लिया है, दूसरा ड्रैग रेस करने वाला है। एंड अपने को टॉप 3 बस आना है, एंड दैट्स इट भाई, वी गोना गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हिच वी कैन यूज फॉर द कावासाकी निंजा H2। लेट्स गो भाई, एक से गाड़ी आई है मजाक से हटके, ये देख रहे हो मैक्लारेन भाई मेरे बगल में, क्या मैक्लारेन, क्या हालचाल, मेरे से पंगा है। GTR तो तेज भागेगी भाई, सामने तो फुल धक्का मुक्की चल रहा है भाई, भयंकर भाई। लेट्स गो, धक्का मुक्की मार के तो मैं आ गया लेकिन शिट खत्म। ये दे 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 भाई, फरारी भी है, फरारी भी है रेस में भाई, इवन लैम्बोर्गिनी सेंसा भी आई है भाई रेस में, कोई बात नहीं जीतना पड़ेगा ब्रो, महंगी महंगी गाड़ी आई है यार। लेट्स गो, एक और क्लच एंड लेट्स गो भाई, अपन यार 6th पोजीशन में, मेरे को ये रेस किसी भी कीमत पे जीतना है। महंगी महंगी गाड़ी आई है, फास्ट से फास्ट यार, स्पीड तो चाहिए भाई। ओके साला पोर्शे, पोर्शे के चक्कर में मैं टूट गया भाई। लेट्स गो यार, पोर्शे आगे, मैक्लारेन आगे, मैं लास्ट हूँ, व्हाट, ये नहीं होने वाला, मेरे को जीतना पड़ेगा। ओके भाई फुल नाइट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हो सबको, लेकिन मैं नहीं करने वाला यहाँ पे नाइट्रो, कोई मतलब नहीं है, जब बोर्ड आएगा तब करो भाई, बोर्ड के बाद, बोर्ड से पहले करे कोई फायदा ही नहीं है भाई। क्या दोस्त, BMW कैसा है, M5 है भाई वो, BMW कौन है, ओरा भाई, हाँ अकूरा, ओके यार दूसरी नई गाड़ी है भाई, पहली बार देख रहा हूँ मैं इस पे यार, एवेंजर वाला साइज बनाया। लेट्स गो, पहला लैप कंप्लीट एंड अपन फर्स्ट है, इजी पीजी भाई, कोई हरा सकता है क्या, डट्रेस भाई को कोई हरा सकता है क्या, भले स्टार्टिंग में हरा दे वो बात अलग है,
लेकिन भाई एक बार लीड लेने के बाद तो भाई पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। बट खैर ये थोड़ा ज्यादा स्लो हो गया। लेट्स गो भाई, मेरे पास इतना टाइम है ना, मैं यहाँ पे 360 मार लूं भाई। क्या दोस्त, कैसे 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 क्या हाल चाल भाई। लेकिन ये महंगा पड़ गया, थोड़ा सा महंगा पड़ा भाई, कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ा। लिटरली मैं फोर्थ हो गया, मैं सोचा एक ही बंदा निकला है। ओके यार, हवाबाजी के चक्कर में पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हरा देंगे भाई, हरा देंगे भाई। क्या BMW भाई, ये ना ढकेलने का काम कर रहा है, पता है। बट खैर वो सबसे आ गया अकूरा। शिट शिट शिट, क्या लग रहा है, मैं हार जाऊंगा है, हार जाऊंगा मैं। हो सकता है क्या, 500 की लगा लो भाई, जीत गया तो 1000 ले लेना। मैं जीत गया तो 1000 ले लेना, ठीक है। लेट्स गो ड्रिफ्ट। इन लोग नहीं मारते ड्रिफ्ट, इन लोग चलाते हैं सीधा सीधा और नाइट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो भाई बिना हैंड ब्रेक के ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, ये देखो भाई, वो भी इतना परफेक्ट। इधर भी भाई, ये देखो यार, तुम्हारा भाई गॉड है भाई। और स्पीड लेते हैं, लेट्स गो। अब तो रुकने का सवाल ही नहीं बनता, आप भाई नॉन स्टॉप जाएंगे, रुक जाओ फुल स्पीड भाई। ओके ड्रिफ्ट, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी भाई, यार थोड़ा सा और घूम जा। लेट्स गो यार, मेन दिक्कत क्या होता है, ड्रिफ्ट तो मार लेता हूँ मैं, लेकिन कवर अप करने के लिए ना मैनुअल गियर है ना भाई, मेरे को गियर खुद से कंट्रोल करना पड़ता है, तो पिकअप बहुत गंदे से गिर जाता है गाड़ी का, देखना ना, गाड़ी बहुत तगड़े से स्लो होती है भाई। ये देखो मेरे को गियर डाउन करना पड़ता है, ठीक है। आई मीन दिक्कत नहीं है, रियल कार रेसर्स करते हैं ये, बट यार इसी में थोड़ा ना मेहनत लगता है, बताए। बाकी तो भाई जीत ही गया लगभग। ये देखो भाई, पहला गियर में लाया हो, छठवा गियर से सीधा पहला गियर भाई। ओके लेट्स गो, आई थिंक सो हम लोग जीतने वाले, रेस खत्म होने वाला है। क्या बोलती डेड ट्रैक्स आर्मी भाई, जीतना है ना। ओके भाई, ज्यादा हो गया, ज्यादा ड्रिफ्ट हो गया। शिट 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 शिट, इस टाइम मस्ती नहीं डेड ट्रैक्स, इस टाइम मस्ती नहीं, इस टाइम अगर मैं कुछ छेड़ा तो खत्म हो भाई। जस्ट पीछे मेरे एक बंदा है, क्योंकि भाई एक गलती का इंतजार कर रहा है मेरा, एंड देन वो ओवरटेक कर देगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपन निकल लेंगे तब तक। लेट्स गो फिनिश पॉइंट, एंड अपन भाई ड्रिफ्ट मार के फर्स्ट होते हुए, लेट्स गो, काफी इजीली, बिरयानी है भाई, हलवा है, जीत गए, इजी पीजी, लेट्स गो। पैसा बताओ भाई, मैं फर्स्ट, सेकंड आई है वो NSX, अच्छा NSX है वो, ओके, और थर्ड आई है BMW, लेट्स गो, ठीक है यार, मैं तो फर्स्ट हूँ भाई। 22,000 रुपए मिले, प्लस कार के बहुत सारे पार्ट्स भी मिले भाई, ये देखो ना, ब्रेक वगैरह, ठीक है ठीक है। बट गाइस, अब वक्त हो चुका है खरीदने का ब्रांड न्यू कावासाकी निंजा H2 का, लेट्स गो, आ जाओ भाई। ओके किधर है अपनी नई नई कार, मैं कितना दिन से खरीदने का सोच रहा था यार, पता है मैं ना वो चैनल पे खरीदना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कावासाकी निंजा H2 आप सबको दिखाऊं एंड फिर बूम बाम करें भाई, ये बुगाटी बॉलिडे खरीदेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो यार थोड़ा सा इंतजार, और फिर अपनी ड्रीम कार भी अपने साथ होगी राइट, ये मेरी ड्रीम कार है। बाकी आप लोग अपनी ड्रीम कार कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस गाड़ी को खरीद लूं एंड अपन यार चिल कर सके। ओके मैं चाहता हूं यार सबके सपने पूरे हो राइट, भले रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन गेम में अपन एटलीस्ट देख पाए, क्योंकि बुगाटी बॉलिडे तो रियल लाइफ में भी आई डोंट थिंक सो कोई यूट्यूबर अभी तक दिखा भी पाया, क्योंकि दुनिया में बहुत कम होती है वो। बट खैर, कावासाकी H2 ये खरीदूं कि ये वाली भाई, दो ठोका, एक देखो रेसिंग एडिशन है ये वाली, ये सस्ती है, 380,000 की है, एंड दूसरी वाली है 4,40,000 की, ठीक है। तो मैं बता दूं यार, ये जो आप CC देख रहे हो ना, क्रेडिट 62,000, ये मेरे पास 6,19,000 है, तो ये मेरे पास है, मैं इसका आसानी से लाइक खरीद सकता हूं। बट मैं बता दूं, ये 6,00,000 कॉइन के लिए मैंने यार लिटरली 4,000 रुपए खर्च किए हैं मजाक से हटके, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइस प्लीज सपोर्ट मी, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड किसी को डाउट है तो रुको मैं दिखा। ये देखो भाई, ये वाला प्लान मैंने खरीदा है 6,75,000 वाला, 4,000 का है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी यू कैन भाई, आप लोगों को बस लाल वाला बटन दबाना है, दैट्स इट, बस सब्सक्राइब करना है यार।
बाकी सब तुम्हारा भाई सवाल लेगा। ओके बाकी आप मेरे पे छोड़ो, बस सपोर्ट दिखाओ यार। बाकी वो छोड़ो, वो देखते हैं कि कौन कौन सी बाइक्स है इस गेम में। ओके यामाहा की बाइक्स देख सकते हो, ये सारी की सारी है। बीएमडब्ल्यू की ये सारी बाइक्स है, बीएमडब्ल्यू की बहुत महंगी बाइक है भाई, अभी तो ये नहीं खरीदने वाला, अभी कावासाकी की ही बाइक खरीदेंगे। ओके ये देखो, इवन केटीएम की भी है, लेकिन केटीएम का तो भाई जान रहे हो ना, मैं खरीदूंगा तो अब सीधा ड्यूक खरीदूंगा, सुपर ड्यूक, ये वाली मुझे ज्यादा पसंद है। बट अभी हम लोग खरीदेंगे कावासाकी निंजा H2, लेट्स गो। मैं ये खरीदता हूं क्योंकि देखो ये है स्टॉक मॉडल, एंड इसको अपन अपने तरीके से कस्टमाइज मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट। मैं आपको इसका स्पीड वगैरह दिखाता हूं। इसका टॉप स्पीड है 299 स्टॉक में 300 देती है, एंड इसके बगल वाले का, इसका भी सेम 299, इसका भी सेम 299, तीनों का 299 है भाई, क्या अंतर क्या है फिर भाई। ये चलाएंगे, ठीक है ये खरीदते हैं, बट इससे पहले एक टेस्ट ड्राइव लेना बनता है, क्योंकि यार ऑफ कोर्स इतना पैसा खर्च कर रहा हूं मैं, तो टेस्ट ड्राइव तो बरता है ना मेरी जान। ये रही गाड़ी भाई, एंड अगेन मैं गलती से बैक कर दिया, माफ कर दो। एंड ये रही कार, जो कि थोड़ी बरसात हो रही है यार, बट कुछ ऐसी दिखती है भाई। पीछे का क्या एग्जॉस्ट है, ओ भाई क्या पावरफुल गाड़ी है भाई, एंड फ्लेम भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, दूसरे कलर का निकल रहा है। ओके बहुत ज्यादा फास्ट है भाई, डैम कितनी बड़ी बाइक है भाई, जो हम लोग डुकाटी चलाते हैं वो कितना छोटा लगता है, मजाक नहीं करूंगा, इसका साइज भी बहुत ही तेरी भाई, उछल गई गाड़ी लेकिन बहुत दमदार है। सामने का चक्का उठाते हैं, लेट्स गो, उठ गया भाई, भयंकर भारी है भाई साहब, कौन सी गाड़ी को पेल दिया मैं आराम से भाई, सही है भाई ये गाड़ी। ओके सामने का चक्का उठा के नाइट्रो देते हैं भाई भाई भाई, गाड़ी पलट गई भाई। चलो क्या फिर ट्राई करते हैं। ओके उठ गया ओके शिट, फिर गया, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ओके उठ रहा है, ओके आराम से, रुको यहाँ से निकलते हैं, कौन सा बास्केटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, चल उठ गया एंड जंप भाई साहब, ये सही है भाई, क्रेजी है भाई ये बाइक, मजाक से हटके ट्रिप, डैम 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 डैम। सामने का एक और बार उठाते हैं भाई, सामने का चक्का उठा के मोड़ दे रहा हूँ भाई मैं तो। ओके ज्यादा हो गया, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है भाई, सामने का चक्का उठा के। ओके उठ जा 200 के स्पीड में उठाना बहुत मुश्किल है यार, एक गियर डाउन करो एंड फट से उठाओ वाला सीन है भाई, बाकी तो गाड़ी चलाना इजी है, कंट्रोल इजी है, बस सामने का चक्का उठाने में हालत खराब हो जा रही है भाई मेरी, बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत ज्यादा ही पावर लग रहा है। ओके लेकिन ठीक है नाइट्रो निकालते हैं, लेट्स गो भाई, अपना टाइम अप भी होने वाला है, अपना जो टेस्टिंग चल रहा था उसका, एंड भाई साहब टाइम आउट भाई। लेकिन यार मैंने अभी नोटिस किया कि गाड़ी 0 to 250 पकड़ती है बस सिर्फ एक ही नाइट्रो में, एक नाइट्रो में हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली 250 का स्पीड पकड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी कार है, मैं खरीद रहा। रिम भी चेंज करना है क्या, नहीं अभी तो पूरी स्टॉक है, लेट्स गो खरीदने वाले हैं भाई। मैं नहीं जानता, जो भी नया सब्सक्राइब ठोको भाई यार, जिसकी भी ड्रीम कार है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक करो, ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स है, लेट्स गो। 60,000 रुपए उड़ाने के बाद मेरे अकाउंट में बचेंगे सिर्फ 5,00,000, पता है भाई तू बता के तकलीफ मत दे यार प्लीज, लेट्स गो, वी गॉट अ ब्रांड न्यू भाई, लेट्स गो। इसको पहले कस्टमाइज करते हैं, हम लोग चाहे तो इस गाड़ी को यार कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं, पता है, लाइक ऐसा व्हाइट रखना है, रेड रखना है, मेटेलिक में भी रखना है, सब कुछ है भाई, आप बोलो बस यार, ऐसा भी रख सकते हैं भाई, ये क्रेजी लग रहा है ब्रो, ये थोड़ा क्रेजी लग रहा है, रुको थोड़ा, ये कलर, हाँ ये कलर थोड़ा ज्यादा क्रेजी लग रहा है, ये देखो, नहीं भाई नहीं मजा नहीं आ रहा, मैट ब्लैक तो और छपरी लगता है, मैट ब्लैक में अपन ये रख सकते हैं यार ऐसा, लेकिन थोड़ा सा शायद ही बहुत कम लोगों को पसंद है, नहीं ये शाइनी ज्यादा बेटर है, राइट, कार्बन फाइबर बॉडी ज्यादा बेटर है, और देखते हैं ये देखो, नहीं भाई मल्टी कलर भी रख सकते हैं चाहे तो, ऐसा लाल टाइप में रेड एंड ग्रीन कॉम्बो, लेकिन नहीं ब्लैक ठीक है, कोई मतलब नहीं है, विजुअल पार्ट्स है क्या कुछ। ओके इसका जो ये है, ये ओ भाई ये मॉडिफाइड हो रहा है क्या, ये देखो मेरे पास इसके ज्यादा पार्ट्स नहीं है, बस 3 ही पार्ट्स है, जो ये फ्रंट का लाइट है ना, समझ रहे हो ना क्या चेंज हो रहा है, ऊपर का जो मिरर होता है ना सामने का, ऐसा जो उठे रहता है गाड़ी के, वो देखो वो ऐसा हो जा रहा है, और सामने का पूरा बॉडी पार्ट ही ग्रीन हो रहा है, मतलब इससे क्या होगा ना, गाड़ी का जो हेडलाइट होगा, फ्रंट लाइट होगा, वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, एंड ये
थोड़ा सा महंगा है और टिंट वाला भी है जिससे थोड़ा टिंट हो जाएगा ब्लैक टाइप का, तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा महंगा पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा पार्ट्स भी नहीं है बट ठीक है। और दो तीन चीजें, ओ भाई फ्रंट फेंडर कार्बन फाइबर की नॉर्मल कार्बन, अभी देखो यार मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ राइट, बट खैर खर्च करेंगे भाई रुक जाओ, अभी ज्यादा पार्ट्स भी नहीं है चित्रे। ओके ग्रीन नहीं ऐसे ठीक है, बाकी पीछे का ठीक है यार रुको इसको भी ग्रीन करते देखते हैं, इसको भी ग्रीन करो अगर गाड़ी अच्छी दिख रही है। ओके मैं खरीद ही नहीं रहा हूँ ना तो कहाँ से चेंज होगा वो। ये क्या है भाई फोर्क, भाई मेरे को मैं सच बता रहा हूँ मेरे को बाइक्स के पार्ट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो ये फोर्क क्या होता है आई डोंट नो, आप लोग मुझे बताओ इसको मेरे को मॉडिफाई करना चाहिए कि नहीं। बाकी भाई ये हो गया, ये हो गया और क्या है। ओके ये साइड मिरर को भी अपन छोटा कर सकते हैं चाहे तो, और एग्जॉस्ट, ओबे तेरी एग्जॉस्ट हटा दिया अपन, ये एग्जॉस्ट। ओके एग्जॉस्ट किधर लगा, इधर तरफ लग गया ना एग्जॉस्ट दूसरे तरफ। भाई कितना बड़ा एग्जॉस्ट है भाई, बाप रे भाई कितना बड़ा एग्जॉस्ट है, बाप रे बाप। ओके ओ ड्यूअल एग्जॉस्ट भाई, ये तो गन लग गया है पीछे, और ये क्या है, अबे तेरी नीचे चार टोक एग्जॉस्ट लगे हैं टोटल, इधर दो उधर दो, बाप रे भाई गाड़ी फटाके फोड़ेगी तो भाई पागल हो जाएंगे आसपास के लोग। ये एक नंबर लग रहा है कलरफुल भाई, ये दोनों तरफ वाला है या एक सिंगल तरफ वाला, बहुत महंगा होगा भाई ये मजाक सेट के। ये देखते हैं कितने का है भाई, 8,000 का है भाई। और क्या है पीछे का, ये है ना अभी अभी कुछ मॉडिफाई नहीं करते, अभी देखो गाइस बहुत खर्चा हो गया मजाक सेट के ठीक है, आज स्टॉक चलाते हैं कल मॉडिफाई करेंगे एक दो दिन में एंड उसके बाद गाइस यार लुक एट द ब्यूटी भाई। अभी अभी रुको रुको रुको, यहाँ उतना चमक नहीं रहा है, आगे धूप में ले चलते हैं इधर तरफ, लेट्स गो, पानी गिरा हुआ है शहर में क्या। ओके लुक एट द ब्यूटी भाई, वी गॉट अ ब्रांड न्यू भाई, बम लग रही है भाई गाड़ी यार। साउंड सुनाओ साउंड, रुको रुको साउंड फुल करने दो मुझे, आप लोग पूरा फुल साउंड का मजा लेना। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, भाई देखो जमीन पे ठीक पानी गिरा हुआ है फिर भी यार गाड़ी धुआं छोड़ रही है, इतना बड़ा वाला भाई बहुत पावरफुल गाड़ी है भाई। चलो चलो खैर खैर गाड़ी तो मिल गई, एक दो ड्रैग रेस में भी जाएंगे बट फिलहाल मेरे को तो गाड़ी को देखने में ही मजा आ रहा है भाई, डोनट भी मार रही है बट खैर सामने का एक बार व्यू लेके देखते हैं कैसा फील आता है ऐसे। ओ भाई सही लग रही है भाई, क्या हाल चाल दोस्तों, ऐसे करके तो मन बात भी कर सकते हैं भाई। चलो खैर स्पीड पकड़ते हैं, आप स्पीडोमीटर में ध्यान दो भाई, मां कसम गाड़ी का क्या पिकअप है, स्पीडोमीटर में ध्यान देना मैं बर्न आउट कर रहा हूँ ठीक है। सामने वाला देखना जो वहां दिख रहा है ना गाड़ी में उसमें ध्यान दो, 0 किलोमीटर है, 1 2 3 लेट्स गो भाई, सिर्फ 2 सेकंड 2 सेकंड में 0 to 100 एंड टॉप स्पीड देखो भाई साहब, ये क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है भाई, कावासाकी निंजा H2R भाई, ये क्या हुआ, लेट्स गो लेट्स गो भाई लेट्स गो। चलो कौन है, ओके सेम जिक्सर इक्सर गाड़ी आई है भाई, मैं आराम से जाऊंगा, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है ना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है भाई, कोई भी हड़बड़ी नहीं है क्योंकि मेरे को पता है आगे कौन आएगा ब्रो, फर्स्ट कौन है ब्रो भाई GSX Suzuki किसी के लिए इतना दम नहीं है कि वो एक कावासाकी निंजा H2 कह रहा भाई ठीक है, ये बाप है सब गाड़ी का, आई एम नॉट किडिंग, ये सबका पापा है भाई, ये तो मैं तो पापा हूँ सबका पापा, ऐसा आला सीन है इसका। ओके इवन तो भाई बस यही दिक्कत है ब्रेकिंग का, मेरे को नया ब्रेक की जरूरत है, डिस्क ब्रेक लगाएंगे इस पे शॉक ब्रेक वगैरह क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लाइक झटके झेल सके, क्योंकि ऐसे में झटका हिलाते रहूंगा तो भाई टायर पूरा घिस जाएगा और उसके ऊपर अलग खर्चा करना पड़ेगा यार, बट ठीक है भाई मैं सबसे आगे चल रहा हूँ भाई, इतना इजी यार थोड़ा चुनो आस पास के बंदे तो मजा आता भाई, ड्रिफ्ट करते हैं, ओह वो परफेक्ट भाई, डैम भाई मेरा गला टक रहा है मजाक सेट के यार, क्या रेस था भाई, क्या ड्रिफ्ट मारी, एक और मिलेगा ऐसा ड्रिफ्ट करने का स्टंट करने का। ओके मजा आ रहा है यार, ये गाड़ी बम है भाई, मैं और चिल्लाना चाहता हूँ लेकिन यार मेरा गला बैठा हुआ है, आप लोगों को एक दो दिन से पता चल ही रहा होगा मेरे आवाज में गला थोड़ा बैठा हुआ है, ये एक रीजन है, बाकी यार आप तो जानते हो भाई मैं तो थोड़ा जोश से वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी अभी शांत सा आप लोगों को पता ही है, यही एक बात है, बाकी भाई दिल पे लग रही है भाई ये गाड़ी अलग है भाई, समझ रहे हो दूसरे गियर में गाड़ी, भाई सोच रहे हो दूसरे गियर में गाड़ी 170 दे रही है वो, देखो सेकंड गियर
अब अपने इंडिया की बाइक बताओ भाई, सेकंड गियर में कितनी देती है? 100 भी मुश्किल से भाई, 100 भी मुश्किल से पकड़ती है। ये सेकंड गियर में 150, अपनी इंडिया की गाड़ियों में हाईएस्ट होता है 150। इंडिया की सुपर बाइक, ठीक है, नॉर्मल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सुपर बाइक। बहुत गंदा ठोका, हारने का तो कोई चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है अगर मेरे को कोई हरा दिया तो। बट क्या बोलूं यार, ये कावासाकी का कोई टक्कर ही नहीं है ना भाई। अब मतलब कह लो जितना भी मैं बाइक के रेसेस में जाऊंगा, हालांकि हो सकता है कोई अगर यही लेके आ जाए H2 या Z1000RR, तब हो सकता है कि भाई वो मेरे को हरा दिया। S1000RR भी लेके आ गया तो भी हो सकता है मैं हार जाऊं। बट अगर मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊं ऐसे छोटे मोटे गाड़ियों के सामने, तो भाई जीतना था। रुको, 1 2 3 लेट्स गो। भाई साहब क्या स्टंट था भाई, ये वाला उतना परफेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले वाला जो था वो एकदम परफेक्ट था भाई, इससे पहले वाला एकदम परफेक्ट जब था। ये वाला थोड़ा सा मेरी गलती थी, बट ठीक है उठाएगा चक्का भाई। रेस में तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला रेस कर रहा हूँ भाई, बाकी बंदे कितने पीछे हैं यार। क्या है भाई, इतना सस्ता गाड़ी चलाते क्या उन लोग कि मैं ही महंगा गाड़ी में घूम रहा हूँ भाई। और साउंड भी गाड़ी का भाई कसम से यार, मैं साउंड थोड़ा कम कर दिया हूँ, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही लाउड है, मेरा आवाज वरना आप लोग सुन ही नहीं पाते यार। उठाना है क्या चक्का, उठाना है गाइस, क्या बोला, इस पॉइंट आने वाला है, उठाते हैं, चलो आगे जाते हैं, यहाँ उठाते हैं, ठीक है, लेट्स गो। अरे तेरी भाई, सामने का चक्का उठाने वाला था, एक्सीडेंट हो गया। चलो अब उठाते हैं, लेट्स गो। वो सामने का चक्का उठा के जीतते हुए भाई, लेट्स गो कावासाकी निंजा H2 जीत गया यार। पैसा वसूल इसको कहते हैं, शाहरुख खान वाला पोज भाई। लेट्स गो भाई, मजा आ गया यार, अच्छा था। कितने पैसे मिले, 16,000। ओके, बाइक्स के कुछ पार्ट मिले, ओके, कावासाकी का दो पार्ट्स मिला है, वो जो ग्रीन देख रहे हो वो कावासाकी पार्ट्स है, ठीक है, नाइस। मॉडिफाई करते हैं, फिलहाल गेम में हो चुकी है रात, एंड या फिर आप कह सकते हो शाम। और भाई मैं को जाना पड़ेगा इस गाड़ी का पार्ट्स जुगाड़ने, क्योंकि मेरे को करना है भाई, ये गाड़ी को मॉडिफाई करना है। ओ भाई, ओ तेरी भाई, मैं तो पिकअप भी नहीं लिया एंड इसके ऊपर चढ़ गया, डैम खुदा जाए, बैक फ्लिप मारा, ओ तेरी मैं समुद्र में भाई, डैम भाई मजाक चढ़ के स्टंट मारते, रुक जाओ। रुको अच्छे से, शिट भाई मैं ऐसे गलती हो जा रहा, भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गाड़ी स्लिप कर रही है यार, कोई मतलब ही नहीं है, मैं जैसा वाला स्टंट चाहता था वैसा हो ही नहीं पा रहा। जैसे हम लोग वॉक किए थे ना, वो इधर से कूदते समय होता, रुको स्पीड में आते हैं, आई थिंक सो यहाँ से हो जाएगा। चलो खैर यहाँ से करते हैं, मैं तो भाई 200 पकड़ ले बस। शिट भाई गया, मारा, अरे तेरी भैया। लगा इसका सर टूटा भाई आज, और स्टीयरिंग हाथ में आ जा रहा भाई, टाइट करने दो यार, पता चला टूट जा रहा भाई कावासाकी चलाने के बाद, तो इतना महंगा चीज है यार भाई। सॉरी गाइस, मेरे को खांसी आ रहा है, आई थिंक सो मेरे को वीडियो यहीं क्विट करना पड़ेगा। बट यार एक स्टंट तो मार के जाएंगे, नाइट्रो फुल होने देते हैं फिर करें, ठीक है, थोड़ा सा और होने देते हैं फिर गाइस जंप करेंगे। बाकी यार मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्रू मोटोफेस्ट के और एपिसोड्स हैं जो कि ये चैनल पे पहले ही आया है, बाकी सारे एपिसोड्स पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे के सारे मैंने सेकंड चैनल पे डाले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस आखिरी में भी प्लेलिस्ट दे दूंगा क्रू मोटोफेस्ट का, आप जाके देखना, मजे करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजा आएगा, आई एम 100% डैम श्योर। टाइम है तो देखो, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन पैसा वसूल है भाई, जब चाहे तब देखना, ठीक है, बट फिलहाल चलो लेट्स गो। ओके ओके, थोड़ा नाइट्रो बचाते हैं, लेट्स गो भाई। हुआ ही नहीं जो मैं करना चाहता था, यहाँ भी नहीं हुआ, डैम। ए भाई बहुत ऊंचा वाला रैंप पे नहीं होता है शायद, पर रिवाइंड लेते हैं, 300 उतना दूर तक रिवाइंड शायद ही ले लेगा। लेट्स गो, अपन एक ही स्टंट को बार बार कर सकते हैं यार, नहीं कर पा रहा है यार, हो ही नहीं रहा, एक और रिट्राई नहीं कर पा रहा है। देखो ना, मैं टाइमिंग पे तो मोड़ रहा हूँ, लेकिन वही सीन है इधर भाई, तेरी यार कुत्ते की तरह लगा हुआ, चोर इधर घुस जा रहे हैं भाई, बट खैर ठीक है,
कल करेंगे बाकी स्टंट्स, प्लस इस गाड़ी को भी मॉडिफाई करना है क्योंकि यार ज़्यादा तो हम लोग इस गाड़ी को चला के नहीं देखे ना, राइट? तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन क्या दिख रही है भाई इसको यार, फुल पेंट वेंट भी कर सकते हैं हम लोग। मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये है ना गाड़ी कस्टमाइज में, चलो लिवरी आई मीन इस पे अपन डिजाइन विजाइन भी लगा सकते हैं मजाक से हटके। जैसे ये डिजाइन देखो भाई, ये लगा हुआ है, ऑल ब्लैक हो गई ये गाड़ी। बहुत सारे लिवरी है लेकिन यार बहुत टाइम लेता है यहाँ लोड होने पे, नहीं पता क्यों। पूरा व्हाइट बॉडी है ये। ओ ये प्यारा लग रहा है यार, ये थोड़ा प्यारा लग रहा है सिल्वर के साथ। ओके रेड 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 भी है भाई, ये देखो ये पर्पल में भी है, सही लग रही है यार ये पर्पल। ये ओ भाई ये ग्रीन भी बम लग रही है, ये भी देखो ना, ये भी सही लग रहा है। क्वाइट भाई, क्वाइट लिखा है, चुप चुप भाई, सबको चुप करा देती है भाई और खुद भी चुप, क्योंकि ये गाड़ी इतना ज्यादा लाउड है। क्वाइट क्यों लिखा हुआ है, नॉइस लिखो भाई। ये देखो ये तो पूरा स्क्वाड क्या दुनिया भर का लिखा हुआ है भाई भाई भाई। ये वाला बम लग रहा है ब्लैक विथ रेड, की गाड़ी ब्लैक विथ ग्रीन है तो ब्लैक विथ रेड थोड़ा यूनिक लग रहा है यार। बाकी तो बहुत सारे यार, ये देखो टाइगर वाला है, येलो वाला है, ये देखो इस पे बहुत सारे टैटूज है, ये देखो इस पे थोड़ा जैपनीज में कुछ कुछ लिखा हुआ है। खैर ये सब मैं अगले एपिसोड में मॉडिफाई करूंगा, फिलहाल जैसी की तैसी है वही ज्यादा बेटर है, ज्यादा अभी करें कुछ फायदा नहीं है। बाकी यार बैक इन द गेम गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही गाइज। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी यार आज के वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई 5 लाख सब्सक्राइबर करवा रहे हैं। ओके जल्द से जल्द। बाकी यार जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सुन लो, ये चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी भाई, इस चैनल पे पड़ गया था एक कम्युनिटी स्ट्राइक, जिसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे कहा था कि भाई एक हफ्ते तक वीडियो मत डालो भाई। यार एक हफ्ते तक मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मेरा ये रीजन। और दूसरी बात यार, मैं सेकंड चैनल पे कंटिन्यू था, मैंने सेकंड चैनल पे 7 दिन वीडियो डाली है, यहाँ की वीडियो वहां डाली है, एंड इन 7 दिन में मैंने नया गेम चालू किया जो कि ये था क्रू मॉडोफेस्ट, जिसमें मैंने भाई बहुत सारी गाड़ियां खरीदी है। ये एपिसोड अच्छा लगा तो वो सब देख सकते हो, वो चैनल का नाम है डट्रैक्स प्ले, सर्च करोगे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, चेक कर सकते हो। ये गेम अच्छा लगा तो जाके देखो। बाकी अगर आप यार यहाँ तक मेरी आवाज को सुन रहे हो, मतलब आप मेरे ट्रू फैन हो, लिटरली भाई दिल से लव यू यार आप सभी को, हर कोई जो ये देख रहा है सभी को भाई, और आपको भी निशानी छोड़ना है अगर आपने पूरा देखा तो कमेंट सेक्शन में लव यू डट्रैक्स भाई लिख दो, या डट्रैक्स भैया जो भी लिखना है, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लो यार, अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है, चैनल को दिक्कत होती है तो प्लीज, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ही अपडेट देता हूं, तो प्लीज यार फॉलो कर लो मुझे, डट्रैक्स गेमिंग है, सर्च करोगे मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इंस्टा का, फॉलो कर लो अगर आप यूज करते हो तो, कर लो भाई कुछ भी हो सकता है यार कल के डेट पे, तो बताने के लिए इंस्टाग्राम ही है, ठीक है, यूट्यूब पे सब चीज नहीं बता सकता मैं। प्लेलिस्ट मैंने यहां पे दे दिया है क्रू मॉडोफेस्ट का, मैंने जितनी भी गाड़ी खरीदी BMW, Supra, Mustang, Ferrari, Bugatti, मतलब जो भी खरीदा हूं मैं, मेरे को याद भी नहीं, सब यहाँ पे है, पूरी प्लेलिस्ट है, मजे करो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गेम बहुत तगड़ी है, एक एपिसोड में जज मत करो, किसी को बेकार लगा है तो देखो प्लेलिस्ट फिर जज करो भाई, फोर्जा से तगड़ी गेम है भाई, फोर्जा से तगड़ी, गाड़ियां बाइक प्लेन सब कुछ, हेलीकॉप्टर भी है इससे चलाना पड़ेगा बस वही दिक्कत है। बाकी यार जाके देखो, बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना, बाकी मिलता है अगले एपिसोड पे, टिल देन बाय बाय टाटा लव यू ऑल, पीस।